मुक्ति धाम को कैसे याद करें? मुक्ति धाम को कैसे याद करें? बाबा कहते मेरे को याद करो, माम एकम याद करो, फिर कहते मुक्ति धाम को याद करो, फिर कहते एक को याद करो, फिर कहते सुखधाम को याद करो। तो आप एक को याद करें या तीन तीन चार चार को याद करें? है कैसे याद करें? साकार में याद करें। हाँ, उसमें निराकार है माना मुक्ति धाम वासी है। निराकार कहाँ करने वाला है? साकारी में आता है तो निराकारी स्टेज वाला है या नहीं है? है? तो जहाँ है वो लिंग रूप है या नहीं है? लिंग को लाल लाल दिखाते हैं ना, वो लाल रंग ही क्यों दिखाया, हरा रंग दिखा देते? लिंग जो बनाते हैं प्राचीन काल में, जो लिंग बनाया गया है लाल पत्थर का ही क्यों बनाया, काले पत्थर का बना देते? ये दर्शाने के लिए कि वो ज्योतिबिंदु निराकार शिव जहां कहीं भी है, जहां भी रहेगा निराकारी स्टेज में रहेगा, जहां रहेगा वो मुक्ति धाम है। अभी भी बहुत से बच्चे ये अनुभव करते हैं जो आस्थावान है, निश्चय बुद्धि विजयते की लिस्ट वाले हैं, वो अनुभव करते हैं कि बाबा का फोन आता है तो सब भूल जाते हैं। निसंकल्पी स्टेज क्यों बन जाती है? क्या कारण है? नेहरू जी जब भाषण देते थे तो जो अच्छे अच्छे विरोधी थे उनके, वो भी चेंज हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? ये प्रभाव से प्रभावित होने वाली बात। निराकारी स्टेज एक ऐसी स्टेज है जो सारी दुनिया को चेंज करती है। निराकारी दृष्टि, निराकारी वृत्ति सारी दुनिया को शांति धाम वासी बनाने वाली है। इसलिए शिव जिस तन में प्रवेश करता है और वो तनधारी संपन्न स्टेज में जब संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है तो वो तन ही जैसे परम धाम है, मुक्ति धाम है, बाप का रहने का घर है। तो मुक्ति धाम को याद करो। जबकि कहते हैं मुक्ति धाम जड़ तत्व है, तो जिस तन में प्रवेश करते हैं वो जड़ है या चैतन्य है? शरीर तो जड़ ही होता है, उसमें रहने वाली आत्मा वो भी तमो प्रधान है, जड़त्वमयी। फिर सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश करता है तो वाइब्रेशन बनाता है। इसलिए वो निराकार शिव बाप भी है, जिस तन में प्रवेश करता है वो हमारा घर भी है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो माँ बाप की गोद ही उनका घर है, बड़ों के लिए घर नहीं है। किसके लिए घर है? छोटे बच्चों के लिए घर है। तो बच्चा बन के रहने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए घर है। ऐसे ही
सुखधाम भी है। शेष संकल्प चलेंगे, ज्ञान युक्त संकल्प चलेंगे तो वाइब्रेशन कैसा बनेगा? सुखदाई वाइब्रेशन बनेगा या दुखदाई बनेगा? सुखदाई वाइब्रेशन बनता है। उसी याद में जो भी रहेंगे वो भी सुख का अनुभव करेंगे। इसलिए पारसनाथ प्रसिद्ध है। पारस वास्तव में ऐसा कोई पत्थर नहीं होता है कि जिसको छू देने से लोहा सोना बन जाए। ये लोहे जैसी तमो प्रधान आत्माएं उसके संसर्ग में संपर्क में जब आती हैं, तो पारसनाथ के संग में आकर सोने जैसी सच्ची बन जाती है, उसकी यादगार है। वो सुखधाम भी है, शांति धाम भी है। और हमारा शांति धाम में रहने वाला बाप भी है, अलग अलग है ही नहीं। मन को सेट करने की बात है।